Hey guys, once again welcome back to my channel. मैं हूँ ज्योति एंड ये वीडियो आफ्टर सो लॉन्ग होने वाला एक मिंत्रा हॉल. एक्चुअली मैं बहुत टाइम से सोच रही थी मिंत्रा हॉल नहीं किया मैंने, तो फाइनली आज वो टाइम आ गया जब मैं आपके साथ मिंत्रा हॉल शेयर करूँगी, क्योंकि मुझे बहुत मन था करने का. तो इसलिए मैंने मिंत्रा हॉल मतलब मिंत्रा से काफ़ी ड्रेसेस सेलेक्ट की हैं. आई रियली होप आपको ये कलेक्शन पसंद आए और यूज़फुल भी लगे, बिकॉज समर्स में आपको इस टाइप का कलेक्शन ज़रूर से देखना चाहिए, बिकॉज इसमें रेयन और कॉटन फैब्रिक की ही ड्रेसेस मिलेंगी आपको. कुर्ता कुर्ता प्लाजो दुपट्टा सेट काफ़ी अच्छा कलेक्शन होने वाला है. सो आपको अगर पसंद आए, आप फर्स्ट टाइम मेरा चैनल देख रहे हैं, तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन हिट कर दीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा और कोई भी कलेक्शन आपसे मिस नहीं होगा और आपको जो भी लेना होगा आप टाइम से ले सकते हैं. और आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका हैंडल नेम है ज्योति राज ऑफिशियल एंड उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा. सो गाइस, इस हॉल में जो सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है कुर्ता प्लाजो एंड दुपट्टा सेट, जो कि इस तरीके का है. मैंने ब्रांड इंडो एरा से परचेज किया है एंड स्मॉल साइज में परचेज किया है. इसका जो फैब्रिक है वो कॉटन है एंड गाइज ये बहुत प्यारा पीस है. आप देख सकते हैं इसमें ग्रीन गोल्डन ब्लैक कलर मिलेगा इस तरीके से, और ये कोई ऊपर से प्रिंट नहीं है. ओवरऑल जो प्रिंटेड कुर्ता होता है उस तरीके का ये कुर्ता है, मतलब लाइक ऊपर से कोई प्रिंट नहीं है, तो ये प्रिंट कहीं भी जाने नहीं वाला है. आप जितना भी इसे वॉश कर लें, इस तरीके से 3/4 स्लीव एंड स्लीव्स के एंड में आपको गोल्डन कलर से लेस एंड गोटा पट्टी मिलती है. पीछे इस तरीके से आपको पूरा मतलब ओवरऑल आगे पीछे इस तरीके का ही प्रिंट मिलता है. स्लिटेड कुर्ता है, साइड में आपको स्लिट मिलता है एंड इसकी फिटिंग बहुत अच्छी थी, स्मॉल साइज के अकॉर्डिंग बहुत अच्छी थी. एंड ये इतना प्यारा कुर्ता है ना, मतलब अगर आप समर्स में वेयर करेंगे आपको फील ही नहीं होगा कि आपने कुछ इतना हैवी सा कुछ पहना है, बिकॉज ऐसी ही ड्रेसेस समर्स में अच्छी लगती हैं. तो इस तरीके का है, थोड़ा सा शेयर बिकॉज कॉटन तो शेयर होता है, बट गाइज ये इतना प्रिंटेड है तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बहुत ईजिली आप पूरे दिन से वेयर कर सकते हैं. गाइज इसके साथ आपको इस तरीके का ब्लैक कलर का प्लाजो मिलता है, जिसमें पीछे इलास्टिक है, आगे इस तरीके से बेल्ट लुक मिलता है एंड आप इसे हैंग कर सकें, इसलिए ये फैसिलिटी भी प्रोवाइड की गई है. एंड ये पूरा प्लेन ब्लैक कलर का है, एंकल लेंथ तक मेरी आ रहा था इस तरीके का. ये पैंट लुक दे रहा था पूरा प्रॉपर एंड बहुत कंफर्टेबल लग रहा था वेयर करने में. एंड आपको एक साइड पे यहाँ पर पॉकेट मिलती है, क्योंकि ये स्लिटेड एरिया है तो आप साइड से इस पॉकेट में कुछ भी रख सकते हैं. तो इस तरीके का है ये. इवन ये जो ब्लैक कलर की पैंट आपको मिलती है इसके साथ, आप ये दूसरे ड्रेसेस के साथ भी पेयर अप कर सकते हैं, तो बहुत अच्छा लगेगा. एंड इसका दुपट्टा गाइस मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा, इस तरीके का दुपट्टा है एंड एंड में आपको ब्लैक कलर से टैसल डिटेलिंग मिलती है एंड इस तरीके का बिल्कुल भी छोटा दुपट्टा नहीं है. एंड साइड में आपने देखा होगा कि कितना लॉन्ग दुपट्टा है, सफिशिएंट दुपट्टा है, बिल्कुल भी छोटा नहीं पड़ने वाला है आपको. तो ये दुपट्टा मुझे बहुत अच्छा लगा, इसका कलर बहुत अच्छा है. ये भी आप दूसरी ड्रेसेस पे पेयर कर सकते हैं, तो ये ओवरऑल सेट ही मुझे बहुत अच्छा लगा. आपको इसको डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है. एंड गाइज जो नेक्स्ट ड्रेस मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो एक्चुअली इस तरीके से है. हाँ, सो ये रही वो ड्रेस, रॉयल ब्लू कलर की अनारकली कुर्ता है ये. एक्चुअली प्रिंटेड कुर्ता है इस तरीके से, बहुत प्रिटी कुर्ता है. इसमें आपको शॉर्ट स्लीव्स मिलती हैं, इसमें लॉन्ग स्लीव्स का भी ऑप्शन अवेलेबल था. मतलब पोशाक ब्रांड के आप इस तरीके का कुर्ता देखेंगे तो आपको लॉन्ग स्लीव्स भी मिल जाएगी, बहुत सारे कलर ऑप्शन भी मिल जाएंगे, बट मैंने ये शॉर्ट स्लीव लिया बिकॉज समर्स हैं तो समर्स में इस तरीके की स्लीव्स अच्छी लगती है. एंड पीछे आपको इस तरीके से डोरी मिलती है एंड ये प्यारे से टैसल्स आपको मिल जाएंगे, पर्ल्स लगे हुए हैं, कुछ डिज़ाइन बनी हुई है, तो उस तरीके का है एंड बहुत सुंदर पीस है. साइड में आपको यहाँ पर इस तरीके से चेन भी मिलती है, जिससे आप वेयर करते समय ओपन कर सकते हैं, आफ्टर दैट आप इसे बंद कर ले तो पहनने में भी, मतलब ये सारी जो छोटी छोटी चीज़ें होती है लाइक अलग से जो एलिमेंट होता है वो इसे काफ़ी ड्रेसेस को मतलब ब्रांड्स को काफ़ी अलग दिखाता है, तो इस वजह से फैसिलिटीज़ काफ़ी अच्छी लगती है मुझे ये सारी, तो इस वजह से ये भी मुझे बहुत पसंद है. इसमें काफ़ी घेर है एंड ये कलर मुझे बहुत पसंद है. एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरे ऊपर सूट करता है, तो इस वजह से मुझे ये कलर बहुत पसंद है. तो आपको मेरे हर हॉल में आपको ब्लू कलर ज़रूर मिल जाएगा. तो इस तरीके का ये है एंड ये काफ़ी लॉन्ग कुर्ता है. आप किसी शादी पार्टी में जा रहे होंगे ना तो भी आप इसे वेयर करके जा सकते हैं, ये इतना प्रिटी कुर्ता है. इसका प्रिंट भी बहुत प्यारा है, आप देख सकते हैं, आपको दिख रहा होगा इस तरीके का ओवरऑल पूरा प्रिंट है एंड एंड में आपको इस तरीके से बॉर्डर मिलता है कुर्ते के एंड में इस तरीके का. एंड ये कुर्ता जो है इसका जो फैब्रिक है वो कॉटन है, तो कॉटन तो भाई समर में बहुत अच्छा लगता है वेयर करने में, तो ये कुर्ता भी बहुत अच्छा है, तो आप इसे भी वेयर कर सकते हैं.
एंड नेक्स्ट कुर्ता प्लाजो एंड दुपट्टा मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, वो भी ब्लू कलर का है, इस तरीके का है। एंड ये भी ब्रांड इंडोरा का है, मैंने इसे स्मॉल साइज में लिया है। एंड इस तरीके से ये पूरा प्लेन कुर्ता है, इसके सिर्फ नेक लाइन पे आपको ये डिज़ाइन मिलेगी। एंड पूरा 3/4 स्लीव है, स्लीव के एंड में ये सिंबल सा आपको गोल्डन कलर का लेस मिलता है। पीछे से पूरा प्लेन है, ये भी एक स्लिटेड कुर्ता है, साइड में आपको स्लिट मिलेगा। एंड थोड़ा सा लॉन्ग कुर्ता है, मेरी जो हाइट है वो 5'5" है और जो ड्रेस का साइज़ है वो स्मॉल है, तो आप एक आइडिया लगा लीजिएगा कि आपके कहाँ तक आएगा। इस तरीके से प्लेन कुर्ता है एंड इसके साथ प्लेन इसका प्लाजो भी मिलता है आपको ब्लू कलर से, सेम ब्लू कलर का इस तरीके का है। एंड आपको यहाँ पर पीछे इलास्टिक मिलती है एंड इस तरीके से स्ट्रेट प्लाजो है एंड नीचे आपको गोल्डन कलर से लेस मिलता है। तो ये प्लाजो आप इवन घर पे भी वेयर कर सकते हैं, बिकॉज सेम मतलब आई मीन प्लेन कलर का है और ये किसी और ड्रेस पे भी मैच हो सकता है और ये बिल्कुल कंफर्टेबल है, तो आप इसे घर पे डेली बेसिस के लिए भी वेयर कर सकते हैं, तो इतना कंफर्टेबल ये है। एंड इसका जो दुपट्टा है वो भी इस तरीके का है, ब्लू कलर का है बट बहुत प्यारा है, काफ़ी डिफरेंट ब्लू कलर है इसका। एंड इस तरीके से आपको टैसल्स मिलते हैं कुछ गोल्डन कलर के थ्रेड से एंड इस तरीके का ये दुपट्टा है। मैंने ट्राई ऑन में पूरा ओपन करके भी दुपट्टा दिखाया जिससे आपको एक लेंथ का आइडिया मिल जाए कि ये छोटा दुपट्टा नहीं है, तो आप पूरा रिव्यू देख करके समझ करके अगर आपको लेना है तो आप ले सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है। एंड गाइज जो नेक्स्ट कुर्ता लिया है मैंने वो शॉर्ट कुर्ता है, मतलब बहुत शॉर्ट भी नहीं है बट इस तरीके का मरून कलर का कुर्ता है एंड मैंने इसे ब्रांड जूनिपर से स्मॉल साइज में लिया है। एंड इसके नीचे आप चाहें तो जीन्स भी वेयर कर सकते हैं, लेगिंग्स भी वेयर कर सकते हैं, पैंट भी वेयर कर सकते हैं, तो इस तरीके का ये दुपट्टा है, एक्चुअली कुर्ता है, दिमाग कहाँ है। सो, इस तरीके की स्लीव मिलती है आपको, फोल्डेड स्लीव एंड इसमें बटन मिलता है, ये आप ओपन नहीं कर सकते हैं, ये ऐसे ही है, ऐसे ही रहेगा। ये ओवरऑल प्रिंटेड कुर्ता है इस तरीके का एंड ये हाई लो पैटर्न का है, थोड़ा सा लाइक आगे जो फ्रंट का पार्ट है वो थोड़ा सा हाई है एंड पीछे का लो है एंड ये आगे पूरा कर्व बनता है। मैंने ट्राई ऑन में वेयर किया है, मतलब ट्राई ऑन में ट्राई किया है, आप देख सकते हैं इस तरीके से गोल्डन कलर का प्रिंट मिलता है। आप इसे सेपरेटली वॉश कीजिएगा तो ये प्रिंट काफ़ी टाइम तक रहने वाला है। एंड मैंने इसे जो इससे पहले मैंने कुर्ता प्लाजो दुपट्टा सेट दिखाया उसके ही पैंट के साथ वेयर किया है, तो आप ऑफिस वगैरह में इसे वेयर कर सकते हैं। ये जो फ्रंट में ये बटन्स हैं, ये तीन जो नीचे के बटन्स हैं ये ओपन नहीं होते, ऊपर वाले दो बटन ओपन होते हैं, तो इसे पहनने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये शेयर नहीं है और इसका जो फैब्रिक है वो रेयन है, तो ओवरऑल इसकी फिटिंग, प्राइस, लुक सब कुछ 10/10 है, तो आप इसे भी ट्राई कर सकते हैं। एंड गाइज इस हॉल का जो नेक्स्ट कुर्ता है एंड लास्ट कुर्ता है वो ये रहा, पिंक कलर का है, ब्रांड वारंगा से है, ये भी आप डेली बेसिस के लिए यूज़ कर सकते हैं बिकॉज इसका फैब्रिक कॉटन है एंड ये बिल्कुल प्लेन कुर्ता है, मुझे प्लेन कुर्ते बहुत पसंद हैं। इस पर सिंपली मैंने क्रीम कलर की लेगिंग्स डाली थी और ये बहुत अच्छा लग रहा था। इस तरीके से आपको 3/4 स्लीव मिलती है और नेक लाइन पे जो डिज़ाइन है ओवरऑल कुर्ता में बस वही डिज़ाइन है और कोई डिज़ाइन नहीं मिलती है, इस तरीके से पूरा प्लेन है एंड साइड में आपको इस तरीके का स्लिट मिलता है, मतलब सिंपल कुर्ता है, बिल्कुल स्ट्रेट एंड स्लिटेड कुर्ता है। आप इसे जीन्स पर भी वेयर कर सकते हैं बट मैंने लेगिंग्स पर वेयर करके दिखाया है और इसका जो फैब्रिक है वो कॉटन है, तो आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं समर्स में, कॉटन तो आप किसी भी वेदर में ट्राई कर सकते हैं। प्राइसी भी बहुत नहीं है कि आप अफोर्ड नहीं कर सकते, अफोर्डेबल नहीं लगे आपको, तो उस तरीके से मैंने काफ़ी सोच के लिया है, तो आप भी चाहें तो आप ट्राई कर सकते हैं बिकॉज ये भी मुझे सिंपली काफ़ी स्मार्ट और क्लासी पीस लगा, तो अगर आपको भी लगा होगा तो आप भी ट्राई कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है। सो गाइज आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए अच्छे अफोर्डेबल हॉल के साथ, तब तक के लिए बाय।